आज हम करी पकौड़ा बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए हम एक बर्तन में थोड़ा सा बेसन लेंगे, कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च, प्याज कटा हुआ छोटा टुकड़ों में, इसे हम बेसन में मिला देंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर देंगे, स्वाद अनुसार नमक, और इसे थोड़ा थोड़ा पानी देके गाढ़ा घोल बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे, जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें बेसन का घोल थोड़ा थोड़ा डाल के हम पकौड़ा छानेंगे। देखिए हमने सारा पकौड़ा डाल दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे पकौड़े को। अब एक बर्तन में हम थोड़ा सा बेसन लेंगे, उसमें 1 कटोरी दही डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। उसमें थोड़ा सा 1 से 2 कटोरी पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। स्वाद अनुसार नमक देंगे, थोड़ा सा हल्दी देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम किए, उसमें 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, 2 से 3 तेज पत्ता तोड़ के, और थोड़ा सा हींग देंगे और फोरन को अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इसमें हम बेसन और दही का जो घोल बनाए थे वो मिला के पकाएंगे। इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे, देखिए ये उबल रहा है। अब इसमें सारा पकौड़ा डाल के गैस कम करके इसे हम पकाएंगे। बीच बीच में इसे हम हिलाते रहेंगे। देखिए हमारा करी पकौड़ा तैयार है, इतना अच्छा लग रहा है। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, देखिए कितना जल्दी बन गया करी पकौड़ा।